सिक्किम में एसकेएम सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि 4 साल के कार्यकाल के दौरान राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र के साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इस दौरान यूक्रेन और मणिपुर के छात्रों को सुरक्षित प्रदेश लाए जाने के तहत सरकार द्वारा उठाए कदमों का भी उन्होंने जिक्र किया, जब यूक्रेन से छात्रों को वापस राज्य में लाया गया। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का 4 साल पूरा होकर 5 साल में अभी लगा है, तो इस अवसर में मैं संपूर्ण सिक्किम जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को विश्वास करके और भरोसा करके सरकार में पहुँचाए। और हम लोग ने 4 साल के अवधि में बहुत सारे जो भी करना था सिक्किम में, सिक्किम राज्य के और सिक्किम राज्य के विकास के लिए और सिक्किम के नागरिक को काम किया है, जो ताकि हमारे 4 साल के बीच में अंतराल में COVID-19 ने भी हम लोग को बहुत समस्या था, लेकिन उसको भी नहीं देखते हुए हम लोग ने बहुत काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर और बहुत बहुत सारे नया योजनाएं भी शुरू किया है। मुख्य उपलब्धि तो हमारा सरकार में सबसे तो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, और एक तो हमारा जो भी है डेमोक्रेसी है, कोई भी बोल सकता है, अभी इंडिपेंडेंट है अभी ये है। और हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में हम लोग ने बहुत काम किया है। मुख्यमंत्री ने एसटीएफ के मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए बजट न रखने के आरोप पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उसके लिए 220 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पहले ही आवंटित कर दिया गया है। सर, रिसेंटली जो बजट हुआ उस बजट में कोई फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं हुआ है बोल के अपोजिशन पार्टी का एलिगेशन है, इस पर क्या बोला? हम लोग ने अब पहले से है उनको जो पहला का बजट था उसी में हम लोग ने 220 करोड़ रुपए हम लोग ने दे चुका है। जो सिक्किम गरीब आवास योजना को बात कर रहा था उसमें हम लोग ने 220 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम लोग ने एडवांस दे चुका है। पहला का जो हमारा लास्ट में हुआ था जो सबलिमिटेड बजट उसमें हम लोग दे चुका है, फिर हमारा जो सबलिमिटेड बजट आएंगे उसमें हम दे देंगे। हम लोग हमारा 1 साल बाद इलेक्शन है, कितना तैयार है? हम लोग पूरा तैयार काम किया है तो हम लोग तैयारी है।